मेरा नाम है हैदर अली और मैं इस चैनल पे ला लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो LIS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो पाए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स फेसबुक पे सुनना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू अगेन टू माई चैनल LIS। आज हम लॉ के एक और सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं, क्रिमिनल लॉ। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। इंशाल्लाह इन चार टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में आगे जाके हम पाकिस्तान पेनल कोड को या इंडिया के इंडियन पेनल कोड को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो है CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इस वजह से पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ बेसिकली रेमिडियल नेचर का है, जिसमें रेमिडी मिलती है पार्टीज को, जिस पार्टी को कोई जिसका राइट वॉलेट किया गया है उसको रेमिडी दी जाती है। क्रिमिनल लॉ में जो है वो पनिशमेंट नेचर का है, मतलब कि इसमें अगर कोई एक्ट जिसको स्टेट ने मना किया हुआ है, लॉ ने मना किया हुआ है, और आप अगर वो एक्ट करते हैं तो आपको उस एक्ट के लिए सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में रेमिडी दी जाती है। सिविल लॉ में कौन से मैटर्स आते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में जो मैटर्स होते हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैटर्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनमें राइट्स एंड ड्यूटीज जो क्रिएट होती हैं वो मैटर्स, या प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स, या उनके पर्सनल लॉस, जैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ को देखते हैं, उनके जो पर्सनल लॉज हैं वो सब कवर होते हैं सिविल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में कौन से लॉज होते हैं, जो स्टेट ने मना किए हुए हैं कोई एक्ट, कोई ऐसे एक्ट जो स्टेट ने मना किए हुए हैं और सोसाइटी को वो एक्ट नुकसान दे रहा है, तो उन एक्ट को कवर किया जाता है क्रिमिनल लॉ में, जिसको स्टेट ने उन एक्ट्स को मना किया हुआ है और उन एक्ट्स पे करने पे आपको सज़ा मिलती है उस एक्ट की। तो हमने ये स्लाइटली देखा सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क। तो आगे जाके देखते हैं अब लॉ कितने पार्ट्स में डिवाइड है। लॉ होता है दो पार्ट्स में डिवाइड, एक सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, अगर हम क्रिमिनल लॉ की नज़र से देखें तो सब्सटेंटिव लॉ को हम देख सकते हैं PPC, जिसमें आपको ऑफेंसेस डिस्क्राइब में, पनिशमेंट डिस्क्राइब में क्या आपको नहीं करना वो बताया गया है सब्सटेंटिव लॉ में, और उन वो करने पे आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो बताया गया है सब्सटेंटिव लॉ में। सब्सटेंटिव लॉ में क्या बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना वो चीज़ें, और अगर आप वो एक्ट करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। ये सब किस में बताया जाता है, ये बताया जाता है सब्सटेंटिव लॉ में। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है PPC, पाकिस्तान पेनल कोड, या IPC, इंडियन पेनल कोड। और प्रोसीजरल लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ मतलब कि कोई ऐसा एक्ट हुआ है यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ के अंदर और उस एक्ट को कोर्ट में लाया जाएगा, तो और जुडिशरी उस एक्ट को जो है उस एक्ट को सजा देने के लिए जो पनिशमेंट सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन की गई है उसमें कौन सा प्रोसीजर अपनाएगी, जुडिशरी कौन सा प्रोसीजर अपनाएगी, कैसे सजा दी जाएगी, कैसे अरेस्ट किया जाएगा पुलिस की तरफ से, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो सारा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजरल लॉ में डिफाइन किया गया है। हम सिर्फ यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, प्रोसीजरल लॉ में बताया गया है। तो प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजरल लॉ है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आगे जाके देखते हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, कौन से उसूल हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब देखें क्रिमिनल लॉ के अंदर चार जनरल प्रिंसिपल्स हैं, चार उसूल हैं जिन पे क्रिमिनल लॉ जो है डिपेंडेंट है। अब पहला क्या है, द प्रिसम्पशन ऑफ इनोसेंस, अ पर्सन इज प्रिजम्प्ट इनोसेंट अंटिल दे आर प्रूविन गिल्टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसको किसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, या जिस पे कोई किसी ऑफेंस का, किसी गुनाह का, किसी क्राइम का इल्ज़ाम है, तो तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा, तब तक उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक वो इनोसेंस होगा, मतलब कि तब तक वो बेगुनाह कहलाएगा जब तक उस पे वो गुनाह जो है प्रूव नहीं हो जाता। उस पे अगर गुनाह प्रूव हो गया, कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, तब वो जो है
कन्विक्ट कहलाएगा और तब भी वो जो है उसको समझा जाएगा कि इसने गुनाह ये कमिट किया है और तभी उसको प्रूव होने के बाद सजा दी जा सकती है। प्रूव होने से पहले वो इनोसेंस होगा, मतलब ऐसा समझा जाएगा कि इसने अभी तक ये गुनाह नहीं किया, पर अगर प्रूव हो गया उसके बाद उसको सजा मिल सकती है। प्रूव नहीं हुआ तो तब तक सजा नहीं मिल सकती। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। दिस मीन डेट हुएवर इज प्रोसिक्यूटिंग द पर्सन मस्ट सप्लाई इनफ एविडेंस टू प्रूव देयर गिल्ट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रोसिक्यूशन जो होगी, जो प्रोसिक्यूट कर रही होगी, मतलब कि जो पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है एक्यूज पे, और इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टी है जो, जिसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है एक्यूज पे उस बंदे पे जिस पे ऑफेंस की चार्जेस हैं, जिस पे इल्ज़ाम है कि इसने ये गुनाह किया है, इसने क्राइम किया है, वो पार्टी जिसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है उसके ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो साबित करे कि हाँ इस बंदे ने ये क्राइम किया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ए ने कोई क्राइम कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया, और उस ऑफेंस पे बी ने उस पे केस कर दिया। अब बी जो है, बी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि साबित करे कि ए ने ये ऑफेंस किया हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में जो एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, उसको साबित नहीं करना होता पहले कि मैंने ये गुनाह किया हुआ है या मैंने ये गुनाह नहीं किया, तो उसके ऊपर नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जो होता है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ऊपर होता है कि पहले ये साबित करें कि इन्होंने जो है, इस शख्स ने गुनाह किया हुआ है, उसके बाद जो एक्यूज होगा या जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम होगा वो अपने डिफेंड में अपना डिफेंस करेगा। तो गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, विच मीन्स द पर्सन ऑन ट्रायल डज नॉट हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस। अब यहाँ पे क्या, जो उनका बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो वो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इस शख्स ने गुनाह किया हुआ है, प्रोसिक्यूटर प्रूव कर रहा है, तो कैसे प्रूव करेगा? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब कि उसमें कोई चीज की गुंजाइश ना रहे या कोई ऐसी चीज ना रहे कि दूसरी बात निकल रही है उसमें से, बिल्कुल क्लियर तरीके से प्रूव करे कि हाँ इस शख्स ने ये गुनाह कमिट किया है, ये क्राइम कमिट किया हुआ है या ये ऑफेंस कमिट किया हुआ है। तो जो वो प्रूव करेगा वो बिल्कुल क्लियर होगी बात। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे अंदाजे बहुत से निकल रहे हैं कि कोई अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ इसने किया हुआ है, उसको बिल्कुल क्लियर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो है प्रूव करना है। और जो अक्यूज्ड होगा, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है क्राइम का, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करे। प्रोसिक्यूटर के ऊपर है जो है जिम्मेदारी है कि वो गुनाह को प्रूव करे कि इस बंदे ने ये गुनाह किया हुआ है, ये क्राइम किया हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को देखा। अब थर्ड में आता है द राइट टू रिमेन साइलेंस। अब इसमें क्या कहता है कि जो एक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है गुनाह का, उससे कोई ऐसी बात नहीं पूछी, वो बाउंड नहीं होता कि हर सवाल का जवाब दे। पुलिस अगर उससे जो कोई ऐसी बात पूछ रहा है जिससे वो गुनाह खुद का गुनाह कबूल कर रहा है या खुद इतराफ़ कर रहा है, इतराफ़ हो जाता है उससे उस बात को कहने से कि हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया है, तो वो इस टाइम पे उस सवाल पे राइट यूज़ कर सकता है रिमेन साइलेंस का, कि मतलब कि वो जवाब न देना चाहे तो नहीं दे सकता। क्योंकि इसके पास ये राइट है कि अक्यूज जो होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा, वो हर बात का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है कि कोई ऐसा सवाल कर लिया गया जिससे उसकी जो अपनी जो उसका क्राइम साबित हो जाए, तो वो उस सवाल के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है पुलिस ऑफिसर को। तो राइट टू रिमेन साइलेंस में, साइलेंट में ये बताया गया है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए बाउंड है, जैसे कि उसका नाम, उसका पता, कहाँ रहता है, सब चीज़ें, तो इन चीज़ों के लिए बाउंड है, इन बातों का इसको जवाब देना है पुलिस को। हाँ, कोई ऐसा सवाल होता है जिससे उसका क्राइम प्रूव हो रहा है, तो वो वहाँ पे राइट टू रिमेन साइलेंट का जो है यूज़ कर सकता है अपने राइट का। तो थर्ड में ये है। अब फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है डबल जियोपेटी। अब डबल जियोपेटी क्या है? मतलब कि एक बंदा अगर किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए एक बार सजा याफ्ता हो चुका है, सजा मिल चुकी है उसको, तो वो दूसरी मर्तबा उसको सजा नहीं दी जा सकती।
सेम ऑफेंस के लिए, या एक दफा वो आजाद हो चुका है उसी कोर्ट में दूसरी मरतबा उसको सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, अपील में एक अलग बात है कि अपील में आप साबित कर देते हैं कि इसने क्राइम कमिट किया हुआ है, तो वो अलग चीज हो गई। पर एक शख्स ने अगर कोई सजा भुगत ली है, उसको सजा मिल गई, सजा भुगत ली है उसने, तो उसके ऊपर दूसरी मरतबा सेम सजा नहीं हो सकती सेम क्राइम के लिए। तो ये इसका चौथा प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल में। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को देखते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कितने हैं? चार एलिमेंट्स हैं। पहला, पर्सन, के एक शख्स होगा जो क्राइम कमिट करेगा, क्राइम कमिट करने वाला एक आदमी होगा, कोई शख्स होगा। अगर कोई कुत्ता जाके किसी को काट देता है तो उसके ऊपर तो आप क्रिमिनल केस तो नहीं कर सकते, FIR तो नहीं करवा सकते। कोई शख्स होगा जो क्राइम कमिट करेगा, उसके ऊपर आप क्रिमिनल केस करोगे। तो पहला एलिमेंट क्या है? एक शख्स होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, मतलब कि एक इंसान होना चाहिए, आदमी और दोनों आ जाते हैं उसमें, एक इंसान होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है मेंस रिया, के मतलब उसका गिल्टी माइंड हो। जब उसने वो क्राइम कमिट किया था तो उसका गिल्टी माइंड हो उस वक्त कि मैं ये क्राइम कमिट करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उससे अचानक से कोई लॉ टूट गया, कोई कानून टूट गया, कोई ऐसा एक्ट हो गया जो क्राइम में, और उसका इंटेंशन नहीं थी वो क्राइम कमिट करने के लिए, और तब भी वो हो गया तो फिर वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ये भी मेंस रिया में जो है, मेंस रिया होना लाजमी है, उसका गिल्टी माइंड होना लाजमी है, उसकी इंटेंशन होना लाजमी है वो क्राइम कमिट करते वक्त। तो मेंस रिया में इसमें एक्सेप्शन से एक्सेप्शन से हम देखते हैं आगे जाके। उसके बाद आ जाता है, अब ये मैक्सिम में, एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रिया, मतलब कि कोई एक्ट, ये मैक्सिम आप याद लाजमी कर लें, ये एग्जाम्स में लिखेंगे आप, आपके लिए अच्छा होगा, मार्क्स भी इसमें मिलती हैं, कि मतलब कि कोई एक्ट है, एक जो एक्ट किसी लॉ को तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है, उस एक्ट को तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक उसमें मेंटल इंटेंशन शामिल ना हो, मतलब कि वो जानबूझ के ना किया गया हो वो एक्ट। तो ये एक मैक्सिम है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विथआउट अ गिल्टी माइंड, तब तक वो एक्ट गिल्टी नहीं करता उस एक्यूज को या उस शख्स को जिसने वो क्राइम कमिट किया है, तब तक नहीं करता जब तक उसका माइंड गिल्टी ना हो, मतलब कि इंटेंशन ना हो उसकी वो क्राइम कमिट करने की। उसके बाद इसमें मेंस रिया में दो चीज़ें और आ जाती हैं, रेकलेसनेस। रेकलेसनेस क्या है? रेकलेसनेस मतलब कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे आपको पता होता है कि आप ये एक्ट करेंगे तो आगे जाके कोई दूसरा ऐसा एक्ट हो सकता है जो क्राइम होगा, तो उस वो रेकलेसनेस में आ जाता है। अब इसी इसकी मैं एग्जांपल दूं, तो एक शख्स शराब पीता है और शराब पी के गाड़ी चलाता है, और उसको पता है कि मैं शराब पी के गाड़ी चलाऊंगा तो मैं खुद के ही कंट्रोल में नहीं होऊंगा, तो कैसे मैं गाड़ी को कंट्रोल करूंगा, और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फिर लायबल होगा क्योंकि उसने रेकलेसनेस की है। ये एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस क्या है? अब दूसरा आ जाता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब कि आप ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करते, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो क्राइम में। इसकी एग्जांपल मैं 320 में दूंगा PPC के, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स तेज ड्राइविंग करता है, तेज गाड़ी चलाता है, नेग्लिजेंस करता है, वो अपनी रफ्तार को ज्यादा तेज कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है आगे जाके उसका, तो फिर क्या होगा, उसको 10 साल की सजा होगी, वो लायबल होगा। तो नेग्लिजेंस पे आप लायबल होते हैं। इसमें बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं कि कोई ऐसी ड्यूटी है जो आपकी, जो आप पूरी नहीं करते, और आप जो हैं ड्यूटी न पूरी करने की वजह से कोई एक्ट ऐसा हो जाता है जो एक्ट क्राइम में आता है, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। हाँ, सजा थोड़ी कम हो सकती है इसमें। अब उसके बाद आता है एक्टस रियस। अब एक्टस रियस क्या है? फिजिकल एक्ट और क्रिमिनल एक्ट। कोई एक्ट ऐसा जो क्रिमिनल एक्ट है, जिसको लॉ ने मना किया हुआ है, आप वो एक्ट करते हैं तो वो कहलाएगा एक्टस रियस। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। पहले हमने पढ़ा पर्सन, एक शख्स होगा जो गिल्टी माइंड के साथ एक्ट करेगा, और वो एक्ट कौन सा होगा? वो एक्टस रियस होगा। और चौथा क्या है? अब एक्टस रियस में सिर्फ एक्ट नहीं आता, उसमें ओमिशन भी आती है, कि मतलब कि कोई चीज़ आप कर सकते थे और आपने नहीं की, तो फिर वो ओमिशन कहलाएगी, कि आपने ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया, तो आप जो है आपका एक्टस रियस यहाँ पे काउंट होगा, आपने कोई चीज़ ओमिट कर दी, तो ये एक्टस रियस में
कहलाएगी। ये कहाँ बताया गया है, ये सेक्शन 32 में बताया गया है और 33 में ओमिशन के बारे में बात की गई है कि कोई एक्ट आप ऐसा कर सकते, करना चाहिए था वहाँ पे और आपने वो नहीं किया तो आप एक्ट सीरियस के लिए लाइबल होंगे। अब चौथा क्या होता है, चौथा है इंटेंटेड रिजल्ट, कि जो आप रिजल्ट चाहते थे, जिसके लिए आपने क्राइम कमिट किया, वो रिजल्ट मिल गया आपको, तो फिर आपके एलिमेंट्स पूरे हो गए चारों और आप क्राइम के लिए लाइबल हो जाएंगे, पनिशमेंट के लिए लाइबल हो जाएंगे। कौन सा इंटेंटेड रिजल्ट, कि अगर आपने किसी का मर्डर करना चाहा, आपने गोली चलाई, वो मर गया, तो आपको इंटेंटेड रिजल्ट मिल गया, या उसको हार्म पहुंच गई तो आपको इंटेंटेड रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे आप क्राइम के लिए लाइबल होंगे। तो अब आगे जाते देखते हैं, ये एलिमेंट्स हमने पढ़े। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बड़ा सा इफ नो, कि अगर इन एलिमेंट्स से कोई एलिमेंट ना हो तो फिर क्या क्राइम के लिए लाइबल होगा बंदा, कि कोई एक्ट ऐसा हो जाए जिसमें जिनमें ये एलिमेंट्स ना हो, इंटेंटेड रिजल्ट ना हो, एक्टस रियस ना हो, मेंस रिया ना हो, पर्सन ना हो, तो फिर क्या वो लाइबल होगा बंदा क्राइम के लिए, क्योंकि ये हमने एलिमेंट्स पढ़े। तो हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को हम पढ़ते हैं अभी। अब पहले हमने देखा था चौथे नंबर पे इंटेंटेड रिजल्ट, आपको रिजल्ट अगर इफ नो, अगर वो इंटेंटेड रिजल्ट ना मिले तो फिर कौन सी लाइबिलिटी अराइज होगी, फिर होगी इनकोहेट लाइबिलिटी। इनकोहेट लाइबिलिटी के तहत आप लाइबल होंगे। इसकी एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे सेक्शन 121 पीपीसी का, पाकिस्तान पेनल कोड का, या आईपीसी इंडियन पेनल कोड का, वो कहता है कि वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेग वार, अबेंटिंग वेगिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान या इंडिया, आईपीसी में इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर कोई वार का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या वार कर रहे हैं और आप कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, या वार हो नहीं गई, जंग हो नहीं गई, आपने अटेम्प्ट किया सिर्फ, आपको इंटेंटेड रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी आप लायबल होंगे कैपिटल पनिशमेंट के लिए। सेक्शन 121 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड क्या कहता है कि आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट पे भी आप लायबल होंगे, भले आपको रिजल्ट मिले ना मिले, रिजल्ट नहीं मिली फिर भी आप लायबल होंगे। अब सेक्शन 122 क्या कहता है, कलेक्टिंग आर्म्स ETC विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, के मतलब कि आपने कलेक्टिंग आर्म्स, मतलब कि हथियार वगैरह कोई ऐसे कलेक्ट कर लिए, या आपने कोई ऐसी चीज़ कलेक्ट कर ली जो पाकिस्तान से जंग करने के लिए आपने कलेक्ट की है, और उस उन चीज़ों को जमा करने पे भी आप पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। सेक्शन 122 कहता है कि आपने पाकिस्तान से जंग करने के लिए सिर्फ हथियारों को कलेक्ट किया है, मतलब कि सिर्फ प्रिपरेशन की है, वहाँ पे भी आप लायबल होंगे, चाहे आपको इंटेंटेड रिजल्ट मिले या ना मिले, इनको हेड लाइबिलिटी के तहत। सेक्शन 126 क्या कहता है, कमिटिंग डिप्यूटेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विथ पाकिस्तान, यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, यहाँ पे उन ममालिक की बात कर रहा है, उन कंट्रीज की बात कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती में है या पीस में है, उन कंट्रीज की बात कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का चाइना दोस्त है, तो चाइना के खिलाफ अगर किसी तरह से जंग की तैयारी करे पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स बैठा, तो उस पे उसके ऊपर वो कौन से सेक्शन के तहत लायबल होगा, वो 126 के तहत लायबल होगा, चाहे वो जंग करे ना करे, सिर्फ प्रिपरेशन करेगा या अटेम्प्ट करेगा तो उस पे वो लायबल हो जाएगा। कौन सी लायबिलिटी, इनकोहेरेंट लायबिलिटी, मतलब उसको इंटेंटेड रिजल्ट नहीं मिली। अब 115 क्या कहता है, अबिडमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और पनिश इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अब 115 में क्या कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा ऑफेंस, ऐसा एक्ट किसी को अबिडमेंट करता है, मतलब कि किसी और से एक्ट करवाता है कोई ऐसा, जिससे जिसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है जिसमें, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिल सकती है जिसमें, मतलब कि किसी को मर्डर करने के लिए भेजा और मर्डर करने के लिए सिर्फ अटेम्प्ट किया गया, मर्डर हुआ नहीं, इंटेंटेड रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी वो लायबल होगा इनकोहेरेंट लायबिलिटी के तहत सेक्शन 115 में। अब तीसरे नंबर में मैंने पढ़ा एक्टस रियस, एक्टस रियस अगर एक्टस रियस कमिट ने किया हो, कोई ऐसा एक्ट ही न किया हो कमिट जो क्राइम है, एक शख्स ने जिसको जो लायबल हो रहा है उसने वो एक्टस रियस कमिट ही नहीं किया, फिर क्या होगा, फिर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत वो लायबल होगा। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड में अगर आप पढ़ें तो एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर तीन चार लोग मिलके कोई ऐसा एक्ट करने के लिए गए हैं जो कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से
कोई ऐसा एक शख्स कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, कोई क्राइम करता है, तो सब लायबल होंगे, क्योंकि सबकी इंटेंशन एक ही थी। तो सब ने तो एक्टस रियस कमिट नहीं किया, सबने मिलके जो है वो, अगर चार पांच बंदे गए किसी को मारने, एक ने मारा, तो सबने मिलकर तो नहीं मारा, पर कॉमन इंटेंशन थी सबकी, इस वजह से सब लायबल वहां पे होंगे। सेक्शन 534 किसकी, कौन सी लायबिलिटी के तहत? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत। उसने, उन लोगों ने खुद तो कमिट नहीं किया, किया एक ने, पर फिर भी वो एक्टर्स रियस, उन्होंने खुद नहीं कमिट किया, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत वो जो है लायबल होंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, के मतलब कि आप, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है आपका उस अनलॉफुल असेंबली का, अनलॉफुल असेंबली में पांच या पांच से ज्यादा लोग होते हैं, तो उस अनलॉफुल असेंबली का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट वो जो है अचीव करना चाहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के दौरान कोई उनसे, एक से या उनमें से कुछ से कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, कोई गुनाह हो जाता है उनसे, तो उसके लिए भी सब मेंबर लायबल होंगे अनलॉफुल असेंबली के। और उसके बाद देखते हैं सेक्शन 396 में, जिसमें बताया गया है डकैती विद मर्डर, कि डकैती में क्या होता है, पांच या पांच से ज्यादा लोग रोबरी करें तो उसको हम डकैती कहेंगे। अब डकैती के दौरान मर्डर हो जाता है किसी एक से, तो सेक्शन 396 कहता है कि एक से मर्डर हो गया डकैती के दौरान, तो सब लायबल होंगे उस डकैती में जो शामिल थे। तो उन सब ने एक्टस रियस कमिट नहीं किया था, किया था एक ने, मर्डर एक ने किया, पर सब लायबल हो रहे हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत। अब यहाँ पे मेंस रिया हमने पढ़ा था, और सेकेंड नंबर में मेंस रिया, और हमने पर्सन पढ़ा था। अब मेंस रिया क्या है? मेंस रिया मेंटल इंटेंशन, आपकी मेंटल इंटेंशन ना हो फिर भी आप लायबल हो, तो कौन सी लायबिलिटी के तहत लायबल होंगे आप? आप होंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत कैसे? जैसे आप फूड अथॉरिटीज को देखते हैं, या कोई ऐसी जो देखते हैं, कोई ऐसा फूड शॉप है जो फूड को सेल करता है, और उन फूड्स में कोई गलत चीज़ मिल जाती है, शीशा मिल गया, कोई कांच का टुकड़ा मिल गया, तो उनके लिए वो लायबल होते हैं, उनके वो फिर भी लायबल होते हैं, भले उनकी इंटेंशन ना हो वो जो कांच का टुकड़ा डालने की। या कंटम ऑफ कोर्ट, कोई तोहिन अदालत करता है, तो उस शख्स की इंटेंशन को नहीं देखा जाता कि इसने इंटेंशनली तोहिन अदालत की है या नहीं, उसको सिर्फ तोहिन अदालत के लिए वो लायबल हो जाता है। तो ये कौन सी लायबिलिटी के तहत होता है? ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत होता है, जो मेंस रिया, जिसमें मेंस रिया ना हो। तो इसकी हमने एग्जांपल देखी। और अगर पर्सन ही ना हो, शख्स ही ना हो, खुद मौजूद ना हो, उसका इंटरेस्ट भी ना हो, फिर वो कैसे लायबल होगा जो है इसमें क्राइम के लिए? तो वो लायबल होगा विकेरियस लायबिलिटी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सेक्शन 154 पाकिस्तान पिनल कोड का, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। अगर किसी शख्स ने अपनी कोई जगह किराए पर दी हुई है, अपना कोई मकान किराए पे दिया हुआ है, और उस किराए के मकान पे, उस शख्स को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है या कोई ऐसे एक्ट की तैयारी हो रही है जो किराए में, उसको पता नहीं था, पर आगे जाके उसको पता चल गया कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट होने वाला है, ऐसा क्राइम होने वाला है, ऐसे क्राइम की तैयारी होने वाली है, और वो पता चलने के बाद भी पुलिस को नहीं बताता या लॉफुल अथॉरिटीज को नहीं बताता, और उनको भी कुछ नहीं कहता, तो वो फिर लायबल होगा पनिशमेंट के लिए सेक्शन 154 में। कौन सी लायबिलिटी? वेकेरियस लायबिलिटी। जब पर्सन खुद शामिल ना हो, जब उसका इंटरेस्ट ना हो, फिर भी वो लायबल हो, तो वेकेरियस लायबिलिटी के तहत लायबल होगा। इसकी एग्जांपल सेक्शन 154 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में हमने देखी। अब हमने ये पढ़ लिया, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को देखा, क्रिमिनल लायबिलिटीज को देखा। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पहले है इंटेंशन, आपका ज़हनी तौर पे तैयार होना कि मैं ये क्राइम कमिट करने वाला हूँ। प्रिपरेशन, उस क्राइम कमिट करने की तैयारी। अटेम्प्ट, आपने वो अटेम्प्ट किया, आपने वो कोशिश की। कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आपने वो ऑफेंस कर लिया। ये चार स्टेज हैं क्राइम के। अब आके देखते हैं इनको डिटेल में। अब पहले इंटेंशन, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, दिस इज नॉट पनिशेबल अंडर पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। अब पाकिस्तान पिनल कोड इंटेंशन पे किसी को पनिश नहीं करता, क्योंकि आप कैसे देखेंगे, किसी ने सोचा कि मैं फलाम आदमी को का मर्डर कर दूंगा, तो उसकी सोचने पे, उसकी सिर्फ इंटेंशन पे आपको उसको तो जेल में नहीं डाल सकते, या उसके लिए आपको उसको पनिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटेंशन को तो नहीं देखा जा सकता, कैसे फाइंड किया जा सकता है कि एक आदमी ऐसा सोच रहा है, तो इंटेंशन पे कोई लायबल नहीं होता पनिशमेंट के लिए।
तो पहले हमने इंटेंशन के बारे में देखा कि इंटेंशन के लिए कोई शख्स लायबल नहीं होता, कि उसने सिर्फ सोच रखी किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, किसी गुनाह को करने के लिए, तो वो लायबल नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन, कि एक सोच रखी, एक इंटेंशन जाहिर की कि मैं ये ऑफेंस करूँगा, और उसके बाद उस ऑफेंस को करने के लिए प्रिपरेशन की, तैयारी की। तो क्या एक शख्स तैयारी करने पर लायबल होगा, प्रिपरेशन पर लायबल होगा? तो हम इसको देखते हैं। अब आमतौर पर प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। आमतौर पर प्रिपरेशन, तैयारी किसी गुनाह को करने की, किसी ऑफेंस को कमिट करने की, पनिशेबल नहीं है PPC के अंदर। पर कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं जहाँ पे मोटिव बड़ा हो आपका, कि आपका मोटिव है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आप जंग करना चाहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं जंग के इरादे से, तो उस सूरत में आपकी जो प्रिपरेशन होगी वहाँ पर आपका मोटिव बड़ा होता है, और उस मोटिव की वजह से आप पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं। अब उन एक्सेप्शंस को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 122 सेक्शन 122 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड या इंडियन पिनल कोड को देखते हैं आप, देख लें आप कि IPC या PPC पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 122 को आप जब देखेंगे कि कोई ऐसे हथियार कलेक्ट करना, किसी ऐसे हथियारों को जमा करना, हथियारों को कलेक्ट करना जंग के इरादे से, अपने मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के इरादे से हथियारों को जमा करना लायबल होगा पनिशमेंट के लिए सेक्शन 122 में। यहाँ पे क्या, सिर्फ प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जंग करने की पाकिस्तान के खिलाफ, आप हथियारों को जमा कर रहे हैं, आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, जंग नहीं की, आपने सिर्फ हथियारों को जमा किया, फिर भी आप लायबल हो रहे हैं जो है पनिशमेंट के लिए सेक्शन 122 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड ये कहता है। अब सेक्शन 126 भी एक और एग्जाम्पल है इसकी, कि आप जो हैं तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के साथ जंग करने की, तो उस तैयारी पे भी आप पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे सेक्शन 126 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, कि आपने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के साथ उनकी टेरिटरीज पे किसी हवाले से दहशतगर्दी फैलाने या जंग करने की कोशिश की तैयारी की है, तैयारी पे भी आप लायबल होंगे प्रिपरेशन के लिए, जो है प्रिपरेशन पे आप लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। और इसकी एग्जांपल जैसे कि चाइना के खिलाफ अगर कोई पाकिस्तान का शहरी या पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ किसी जंग की तैयारी करता है, तो उसमें वो शख्स जो है लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। अब मेकिंग, सेलिंग और बींग इन पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टाम्प्स। अब जो पाकिस्तान की करेंसी है, कॉइन्स हैं, उनकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उनकी कोई डुप्लीकेट कॉपीज बनाना, या गवर्नमेंट स्टाम्प्स जो होते हैं, ऑफिशियल स्टाम्प्स जो होते हैं, उनकी कॉपी बनाना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, वो सिर्फ उनकी प्रिपरेशन पे भी आप कॉपी बना रहे हैं, आपने अभी तक मार्केट में लाए नहीं, वो यूज़ नहीं किया, फिर भी आप प्रिपरेशन पे भी लायबल होते हैं सेक्शन 232 से सेक्शन 235 तक पाकिस्तान पिनल कोड में ये लिखा हुआ है। और एक और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी डकैती के बारे में, कि मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती। डकैती अगर आप करते हैं, डकैती की सिर्फ प्रिपरेशन की जाती है, तो उस सूरत में भी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा वो शख्स या वो अफराद, पांच या पांच से ज़्यादा लोग मिलके जब रोबरी करते हैं उसको डकैती कहते हैं, तो 399 के तहत सेक्शन PPC के तहत आप प्रिपरेशन पे भी लायबल होंगे। तो ये प्रिपरेशन हमने देखा। अब हमने देखा इंटेंशन को, उसके बाद देखा कि उस एक सोच गुनाह को करने की, उस गुनाह को करने के लिए तैयारी को देखा। अब देखते हैं अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट में आप लायबल होते हैं। अब कैसे लायबल होते हैं? अगर आपने अटेम्प्ट किया है ऑफेंस करने के लिए तो आप लायबल होंगे। पर वो अटेम्प्ट आपने किया ऑफेंस करने के लिए और वो ऑफेंस इम्पॉसिबल है, फिर क्या होगा? फिर भी आप लायबल होंगे। इसकी एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ मैं, कि अगर किसी के जेब में आप, किसी शख्स ने हाथ डाल दिया उसके जेब को काटने के इरादे से और उसकी जेब पहले से खाली थी, तो फिर क्या होगा? वो अटेम्प्ट तो हो गया, तो अटेम्प्ट के लिए आप लायबल हो जाएंगे। अब कितने टाइप्स के अटेम्प्ट्स PPC में दिए गए हैं, पाकिस्तान पिनल कोड में दिए गए हैं? पाकिस्तान पिनल कोड में 3 टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं जिसमें सजाओं में चेंजिंग आती है। फर्स्ट वाला है अटेम्प्ट विद सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस, के आप अगर अटेम्प्ट करें या आप वो ऑफेंस कमिट करें, आपको पनिशमेंट सेम मिलेगी, आपको सजा सेम मिलेगी उस गुनाह को अटेम्प्ट करने की, उस गुनाह की कोशिश करने की
या उस गुनाह को करने की आपने कोशिश की सिर्फ, और उस अटेम्प्ट पे, कोशिश पे आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि वो आपने वो गुनाह किया। इसकी एग्जांपल क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना या जंग के लिए जो है कोशिश करना, अटेम्प्ट करना। तो पाकिस्तान के सेक्शन 121 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है जंग करते हैं या जंग करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप कैपिटल पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। तो ये सेक्शन 121 में अटेम्प्ट और जंग दोनों के लिए ऑफेंस और उसका अटेम्प्ट दोनों के लिए सेम सज़ा रखी गई है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ जो है अटेम्प्ट हो गया। अब सेकेंड टाइप ऑफ अटेम्प्ट क्या है? वो है कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस हैव डिफरेंट पनिशमेंट्स। अब अटेम्प्ट और ऑफेंस की, गुनाह और गुनाह की कोशिश की, दोनों की सज़ाएँ अलग अलग होती हैं दूसरे टाइप ऑफ पनिशमेंट में जो PPC के अंडर है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी 393 में। अब रोबरी की सज़ा ज़्यादा है और रोबरी का सिर्फ अटेम्प्ट करने की सज़ा कम है। सेक्शन 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी के बारे में बताया गया है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं रोबरी के लिए तो आप उसके लिए 7 साल की जो सज़ा मिल सकती है आपको, तो अगर आप रोबरी करते हैं तो उसमें आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो इसमें क्या है कि अटेम्प्ट के लिए अलग सज़ा है और रोबरी के लिए अलग सज़ा है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ अटेम्प्ट है। अब थर्ड टाइप ऑफ अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस इन जनरल एक्सेप्ट दोज फॉलिंग इन द अबव कैटेगरीज हैव बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 511 PPC के। अगर इन कैटेगरीज में, दोनों में नहीं आता, अगर इन दोनों कैटेगरीज में अगर कहीं पे PPC के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर किसी अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताया गया, तो उन अटेम्प्ट को या किसी ऑफेंस, किसी गुनाह की कोशिश के बारे में नहीं बताया गया, किसी गुनाह के अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताया गया, किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताया गया, तो उन सबको कवर करता है 511 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का, जो आखिरी सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का। ये बताता है कि अगर कोई अटेम्प्ट PPC में कवर नहीं है तो उसके लिए उस ऑफेंस की आधी सज़ा दी जाएगी। तो ये थर्ड टाइप ऑफ अटेम्प्ट हो गया। अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि इंटेंशन, उसके बाद इंटेंशन जाहिर करने के बाद, सोच रखने के बाद वो बंदा गया तैयारी की, गुनाह को कमिट करने की तैयारी में। हमने देखा कि कहाँ पर लायबल है, कहाँ पर लायबल नहीं है। उसके बाद वो जाता है अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट के टाइप्स हमने देखे जो पाकिस्तान पिनल कोड में बताए गए हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद वो क्राइम कमिट हो जाता है। अगर उस शख्स ने क्राइम कमिट कर लिया तो जाहिर सी बात है वो ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो ऑफेंस उसने कमिट किया है। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम हमने जो है कवर किए। इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज को हम आगे लेके जाएंगे। तो यही था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।